हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा आज हमारे ज्योग्राफी के 4 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप बच्चों आपने मेरी वो चारों वीडियोस देखी होंगी, आपको पसंद भी आई होंगी, आपको चैप्टर समझ में भी आया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दो ताकि मैं आपके डाउट्स को दूर कर सकूँ। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बेटा इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों हमारा आज का न्यू चैप्टर है, 5th चैप्टर इज़ मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आज बेटा जो हमारा 5th चैप्टर है उसके अंदर देखिए हमारी अर्थ के ऊपर जो मेजर डोमेन्स हैं, मतलब मेन जो स्थलाकृतियाँ, मेन जो आकृतियाँ हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान से सुनना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि हम सभी ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ, कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके अंदर जो अर्थ है वो एक केवल अकेला एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ है, जिंदगी है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर, जो मानव है वो क्या है यहाँ पर रह रहा है, बिकॉज क्यों, द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, क्योंकि लाइफ को गेन करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आवश्यक जो तत्व हैं वो क्या क्या होते हैं, लैंड वाटर और एयर, और ये तीनों ही चीज़ें कहाँ पर हैं, हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मीट, और इसके अंदर जो हमारी अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर, अर्थ सरफेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स जोन, जो हमारी अर्थ है इसका जो सरफेस है, पृथ्वी क्या है, एक ऐसी सतह है जिसके अंदर क्या है, पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण जो तत्व हैं वो आपस में क्या करते हैं, मीट करते हैं, आपस में मिलते हैं, ओवरलैप एंड इंट्रैक्ट, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर, इसका जो सॉलिड पार्ट है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, जिसे भूमि कहा गया है, जिस पर हम रहते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, भूमंडल, और इसे लिथोस्फेयर कहा जाता है। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, लिथोस्फेयर। सेकंड देखिए बेटा, द गैशियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमोसफेयर, हमारी अर्थ के चारों तरफ सराउंडिंग में क्या है, जो गैसे राउंड है सराउंडिंग में है वो क्या कहलाती है, इसकी एटमोसफेयर यानी कि वायुमंडल कहलाता है। वेयर कौन कौन से गैसे देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड, यहाँ पर बहुत सारी गैसें पाई गई हैं। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, और पानी है जिसने हमारे अर्थ के बहुत बड़े एरिया को कवर किया है, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर, और इसे क्या है, इस बड़े एरिया को क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। तो देखिए बच्चों हमने क्या क्या इसके अंदर पढ़ा है, हमने इसके अंदर किस किस चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। तो सबसे फर्स्ट क्या था बेटा, हिंदी में मैं लिख रही हूँ, स्थल मंडल, जिसे क्या बोलते बेटा, लिथोस्फेयर। ओके सेकंड क्या था बेटा, सेकंड है वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल क्या बोलते बेटा, एटमोस्फेयर। थर्ड क्या है बेटा, हाइड्रोस्फेयर यानी कि हाइड्रो मतलब जल, जल मंडल, हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा, जल, तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोमंडल। अब देखिए बेटा, अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंडल है वो कौन सा है, अब जो तीनों, इन तीनों चीज़ों के मिलने से जो मंडल बनता है उसे क्या कहते हैं बेटा, बायोस्फीयर, जैव मंडल, जहाँ पर ये तीनों ही मंडल मीट करते हैं आपस में वो क्या कहलाएगा बेटा, जैव मंडल कहलाएगा। द वाटर इन इट फॉर्म दैट इज आइस वाटर एंड वाटर वेपर्स, और जो हाइड्रोस्फीयर है उसके अंदर जो पानी है वो क्या अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, जैसे आइस के रूप में, वाटर के रूप में, वाटर वेपर के रूप में। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर, बायोस्फीयर एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर क्या है, पानी, हवा और पानी और ये भूमि, ये तीनों ही क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं, एंड विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और ये क्या है, इसके अंदर ही क्या है, जो लाइफ है वो इस मंडल के अंदर ही संभव होती है, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसे बायोस्फीयर, उस मंडल को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर या जैव मंडल या जीव मंडल भी से बोला जाता है। ओके बेटा,
आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे फर्स्ट हमारा मंडल कौन सा आता है? फर्स्ट लेयर इज लिथोस्फेयर। तो देखिए, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। हमारी अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये क्या है, ये किससे मिलकर बना है? इसको हमारी अर्थ के क्रस्ट के ऊपर क्या है बेटा, बहुत ही मतलब मजबूत रॉक्स पाई गई हैं, चट्टाने पाई जाती हैं। एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल, और क्या है, मिट्टी पाई जाती है। दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, और जो क्या है, बहुत ही न्यूट्रिएंट मतलब बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ एलिमेंट्स तत्व तैयार करते हैं। विच सर्टेन सस्टेन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर क्या है, छोटे छोटे जीव जंतुओं का विकास होता है। देर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सर्फेस, अर्थ के दो डिविजन किए गए हैं। द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स, जो बड़े बड़े लैंड मासेज हैं उन्हें क्या कॉन्टिनेंट कहा गया है। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन्स, और जो पानी की बॉडीज हैं, बड़े बड़े पानी के मतलब स्थल हैं, उसे क्या कहा गया है, उसे ओशियन का नाम दिया गया है। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर, जितने भी ओशियन हैं वो सारे के आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड फिगर 5.1, अभी मैं आपको मैप दिखाती हूँ। आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर, क्या ये सारे लैंड मासेस भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, जो समुद्र का पानी का जो लेवल होता है वो क्या हर जगह सेम रहता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0, और किसी भी स्थल की जो ऊंचाई होती है उसे क्या है, कहाँ से, समुद्र तल से, लेवल ऑफ सी से उसे मापा जाता है, और जिस जो हमेशा क्या है, विच इज टेकन एज 0, जिसे हमेशा शून्य माना जाता है, शून्य से स्टार्ट किया जाता है। ओके, अब देखिए बेटा मैं आपको ये मैप दिखाती हूँ। 5.1 पर चलते हैं, देखिए डायग्राम 5.1 पर चलते हैं हम सभी। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, डायग्राम 5.1 आ गया है। इसके अंदर देखिए बच्चों, ये है डायग्राम। इसके अंदर देखिए, जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये सारी क्या है, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, और ये जो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं बेटा, बड़े बड़ी, ये क्या है, सारे बड़े बड़े लैंड मासेस हैं। ओके, क्लियर हुआ बेटा? अब देखिए बेटा, अब हम आगे चलते हैं। द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल, और जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सा है बेटा, माउंट एवरेस्ट है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11022 मीटर इज रिकॉर्डेड मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। ये तो सबसे ऊंचा था माउंट एवरेस्ट, और सबसे ज़्यादा गहराई डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, वो है मैरियाना ट्रेंच, और ये कहाँ पर है बेटा, पैसिफिक ओशियन में है, और इसकी गहराई कितनी है, 11022 है इसकी गहराई। कैन यू कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट, तो क्या है ये, इसमें यही पूछा गया है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि समुद्र की, क्या आपने कभी मतलब ये सोचा है कि जो समुद्र की गहराई है पृथ्वी के सबसे ऊँचे भाग से भी इतनी ज़्यादा जी कैसे हो सकती है। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट पॉइंट था इसका। अब हम इसके अंदर अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का था एंड तेंजिन नॉर्वे शेरपा इंडिया की थी। वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953 के अंदर इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। जुनको टैबेल जापान का था, जापान की थी। वाज द फर्स्ट व्यूमैन, जो पहली व्यूमैन थी टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975 के ऊपर इसने क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। एंड द फर्स्ट इंडियन व्यूमैन टू क्लाइंब द हाइएस्ट पीक ऑन 23 मई 1984 वाज बछेंद्री पाल, और भारत की जो सबसे पहली महिला थी जिसने क्या है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जिस वो जो गई थी, वो किसका नाम क्या था, बछेंद्री पाल था, और जो 1984 के अंदर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। ओके, आगे देखिए बेटा, आगे अब आता है, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है बेटा कॉन्टिनेंट्स। अब देखिए हम इसमें कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉन्टिनेंट में देखिए बेटा, कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। हमारी अर्थ के ऊपर क्या है बेटा, 7 बड़े बड़े, 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं।
दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, ये अलग अलग वाटर बॉडी से सेपरेट होते हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, जो हमने मैंने आपको अभी फिगर दिखाया था उसके अंदर ये सारी चीज़ शो हैं। एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लैंड लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आप क्या देखोगे बेटा कि जो लैंड जितने भी बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं वो मोस्टली कहाँ पाए गए हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर पाए गए हैं। देखिए बच्चों ये जैसे हमारी अर्थ है, ओके। अब इसके अंदर देखिए बेटा, इसलिए अगर हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो क्या कहेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर। तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स वो सारे कहाँ आ रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आ रहे हैं। अब देखिए अब इसके अंदर हम एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है बेटा आपका एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया के बारे में देखिए बेटा, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा है। एंड इट कवर्स 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, और अर्थ के 1/3 पार्ट के ऊपर फैला हुआ है। कॉन्टिनेंट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये जो एशिया है वो क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। आप देखिए इसको अगर हम ऐसे डिवाइड कर देते तो ये क्या है बेटा, ये तो पूरा नॉर्थ था, ये इधर क्या आ जाता है, ईस्ट, इधर आ जाता है वेस्ट। तो ये जो एशिया है वो ईस्टर्न में आता है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट दिस कॉन्टिनेंट, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जो मैंने आपको बेटा लास्ट वीडियो के अंदर आपको समझाया था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इस कॉन्टिनेंट में से होकर गुजरती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेंस ऑन द वेस्ट। अब जो एशिया है बेटा वो क्या है, यूरोप से अलग होता है, किसके द्वारा, यूराल माउंटेन के द्वारा अलग होता है। द कम्बाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, और इसका जो मिक्स एरिया है वो उसे क्या है, यूरोप प्लस एशिया मीन्स यूरेशिया उसे कहा जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है बेटा यूरोप। अब देखिए बेटा यूरोप के बारे में देखते हैं अब हम, सेकंड वन है बेटा यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, जो यूरोप है क्या है वो तो बेटा वो एशिया से छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, ये एशिया के वेस्ट में है, इधर एशिया था इधर क्या है, यूरोप आ जाता है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, और जो आर्कटिक सर्कल है वो कहाँ से गुजर रहा है, वो यूरोप से जा रहा है। एंड इट इज बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स, और जो यूरोप है बेटा तीन साइड से पानी से गिरा हुआ है। लुक एंड, और क्या है ये तीन, इसके तीन साइड क्या है, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज पाई जाती हैं। ये था बेटा यूरोप के बारे में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आता है बेटा अफ्रीका। अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका क्या है बेटा, सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे कौन था, एशिया था, सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका। द इक्वेटर और 0° लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, और जो इक्वेटर है या जो 0° इक्वेटर है वो क्या है, इस अफ्रीका के बिल्कुल मिड में से होकर जाती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसका बहुत बड़ा एरिया तो कहाँ आता है, नॉर्थ साइड में आता है, और बाकी जो रेस्ट एरिया है इसका यानी कि जो बचा हुआ एरिया वो कहाँ आता है बेटा, अफ्रीका का बचा हुआ एरिया इसके साउथ में आता है, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। यू विल फाइंड दैट इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। बेटा 7 कॉन्टिनेंट में से सिर्फ एक कॉन्टिनेंट ऐसा है, कौन सा बेटा, वो अफ्रीका। ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है बेटा इसके अंदर से तीनों जो आपकी एक ऐसा अकेला कॉन्टिनेंट जिसके अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दी इक्वेटर, ये तीनों बेटा कहाँ से जा रही हैं, ये तीनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स होकर निकल रही हैं। केवल एक ही ये कॉन्टिनेंट्स ऐसा है जिसमें से तीनों लाइनें पास होती हैं। द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, जो सहारा डेजर्ट है पूरे संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, और जो कहाँ से गुजरता है, जो कहाँ पर है, अफ्रीका में है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज, ये जो कॉन्टिनेंट वो क्या है, चारों साइड से ओशन से और सी से घिरा हुआ है। यू विन आप एंड द लॉन्गेस्ट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल, और संसार की जो सबसे बड़ी नदी है कौन सी, सबसे लंबी नदी है कौन सी है, वो नील नदी है, जो कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है। नॉट वेयर द इक्वेटर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका, और ये क्या है, ये तीनों ही लाइनें कहाँ से गुजर रही हैं, अफ्रीका से होकर निकल रही हैं। तो बच्चों ये था बेटा अफ्रीका के बारे में। अब देखिए बच्चों, अब हम इसके अंदर आगे किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट आता है बेटा नॉर्थ अमेरिका।
नॉर्थ अमेरिका में देखिए, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट नंबर पे था एशिया, सेकंड पे था अफ्रीका, थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका। लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाई अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इथिस्मस ऑफ पनामा। और ये क्या है इथिस्मस, और ये क्या है जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से बहुत ही पतली सी लैंड स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है, जिसे क्या है पनामा कहा जाता है। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ अमेरिका है वो कम्प्लीटली नॉर्थ और वेस्ट साइड में आता है। थ्री ओशियंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, और तीन बड़े बड़े ओशियंस हैं जो क्या है इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ओशन के बारे में जब मैं डिस्कस करेंगे हम बेटा, तो मैं आपको समझाऊंगी। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में देखिए, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ अमेरिका वो कहाँ है, मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। विच टू ओशियन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। अब इसको भी क्या है, दो बड़े बड़े ओशन ईस्ट और वेस्ट में सराउंड करते हैं। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। और जो एंडीज पर्वतमाला है वो क्या है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लंबी पर्वतमाला है। वो कहाँ से है, वो साउथ अमेरिका में ही आती है, जो नॉर्थ से साउथ तक फैली हुई है। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन। और जो साउथ अमेरिका है इसके अंदर क्या है, संसार की सबसे जो बड़ी नदी है वो कहाँ है, कौन सी, अमेजोन है, अमेजन है। और जो कहाँ पर आती है, साउथ अमेरिका में आती है। नेक्स्ट आता है बेटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखिए बेटा, अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है बेटा, ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं बेटा इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो ऑस्ट्रेलिया है बेटा क्या है, वो सबसे जो सब स्मॉलेस्ट है, छोटा, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और ये सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। ये चारों तरफ से क्या है, ओशियन और समुद्रों से घिरा हुआ है। इट इज कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसे क्या है आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और लास्ट आता है बेटा हमारा अंटार्कटिका। अब देखिए बेटा अंटार्कटिका क्या होता है, अंटार्कटिका देखिए, अंटार्कटिका कम्प्लीटली द इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो अंटार्कटिका है वो पूरी तरह से कहाँ आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो साउथ पोल है वो क्या है, इस कॉन्टिनेंट बिल्कुल साउथ में आता है, बिल्कुल सेंटर में आता है। एंड इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, और ये क्या है, साउथ पोलर रीजन के में लोकेटेड है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स, ये क्या है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आइस की शीट्स से कवर है, ढका हुआ है। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पर क्या है, कोई भी मानव नहीं रहता है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च सेंटर्स इन अंटार्कटिका, बहुत सारे देशों ने क्या है यहाँ पर अंटार्कटिका पे अपने रिसर्च सेंटर बनाए हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च सेंटर स्टेशंस, भारत के भी यहाँ पर रिसर्च सेंटर्स हैं। कौन कौन से हैं, उनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो बिट बच्चों, ये हमारे जितने बड़े बड़े लैंड मास हैं उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं आपको बताती हूँ, देखिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो देखिए बेटा इस डायग्राम को देखिए, इसके अंदर देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो देखिए बेटा, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ओके, और ये है साउथ अमेरिका। अब मैंने आपको अभी, हमने अभी डिस्कस किया था ना, इन दोनों को देखिए बीच में ये वाला जो, ये क्या है, नैरो लैंड मास है, नैरो लैंड मास इसे अलग करता है। तो उसे क्या कहते हैं, इथिस्मस कहा जाता है, इथिस्मस कहा जाता है। तो इथिस्मस देखिए क्या होता है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ एड लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेज। एक बहुत ही पतली स्ट्रिप होती है जो क्या है, बड़े बड़े लैंड मास को क्या करती है, ज्वाइन करती है, जोड़ती है, ओके। तो ये तो क्या होती है बेटा, जो बड़े बड़े लैंड मास को ज्वाइन करती है। एक होती बेटा स्ट्रेट, अब देखिए स्ट्रेट क्या होता है, आ स्ट्रेट इज अ नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियंस। और देखिए स्ट्रेट क्या होती है, कि जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है, बड़े बड़े ओशियन को सी को कनेक्ट करती है, उसे क्या, जैसे ये भारत है बेटा, और ये क्या है नीचे श्रीलंका। तो इन दोनों को क्या है, जो बीच में जो जोड़ रही है, देखिए यहाँ पर जो आ रही है उसे स्ट्रेट कहा गया है, और इसे क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है, मन्नार की खाड़ी, या इसे पाक जलडमरू भी कहा जाता है। तो बच्चों ये हाफ चैप्टर हम इसका डिस्कस कर चुके हैं।
आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर भी बेटा आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर करना। बेटा ये हमारा हाफ चैप्टर हो गया, ये चैप्टर बड़ा है इसलिए मैं इसको अलग अलग पार्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।